हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर टू इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन दैट इट्स हाइट एंड रेडियस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में साफ साफ आपको दिया गया है कि यहाँ पर रेशियो आपको गिवन है टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो सबसे पहले जो फॉर्मूलाज हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका 2πr आर प्लस एच, ओके। और सी एस ए दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया होता है आपका 2πr h। अब रेशियो की फॉर्म में इनको हम यहां पर लिख लेंगे, टोटल सरफेस एरिया अपॉन सी एस ए, ओके। साथ में आपको हाइट और रेडियस का वैल्यूज भी गिवन है तो उसको आप यहां पर लिख लेंगे। हाइट आपकी गिवन है 7.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो चलिए इन फॉर्मूलाज को हम यहाँ पर रख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया है आपका 2πr r प्लस एच अपॉन 2πr h। देखिए क्या कुछ यहाँ पर कैंसिल आउट हो सकता है, 2πr से 2πr आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा r प्लस एच अपॉन h, ओके। तो इनका वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, है ना। कितना आसान था, 3.5 प्लस 7.5, h का वैल्यू देखिए 7.5, तो आप नीचे लिख लेंगे, ओके। तो आपके पास ये सॉल्व होके आ जाएगा 11 अपॉन 7.5, ओके। इसको हम लिख सकते हैं 10 अपॉन 75, आपने यहाँ से डेसिमल हटा दिया। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 की टेबल में 10 आपका 2 से जाएगा और ये आपका 15 से जाएगा, ओके। तो ये आपका आ जाता है 22 अपॉन 15, ओके। तो फाइनली आपका रेशियो आ गया 22:15 एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अ सिलेंड्रिकल वेसल विदाउट लिड हैज टू बी टिन कोटेड ऑन इट्स बोथ साइड्स इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 70 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 1.4 मीटर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ टिन कोटिंग एट द रेट ऑफ रुपीज 3.50 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको एक सिलेंड्रिकल वेसल गिवन है जो कि बिना लिड के है, यानी कि जो ऊपर वाला ढक्कन है ये वाला, ओके, ये है ही नहीं। आपका सिर्फ कौन सा वाला पार्ट है, बीच वाला, ओके, ये वाला और नीचे वाला आपका बेस एरिया, ओके, ये आपको गिवन है, ये वाला आपको गिवन नहीं है। इसका जो ढक्कन है वो आपका नहीं है। अब आपको बोला गया है हैज टू बी टिन कोटेड ऑन इट्स बोथ साइड्स, यानी कि टिन की कोटिंग करनी है अंदर भी और बाहर भी, ओके। तो जो एरिया आपको लेना पड़ेगा वो अंदर का भी लेना पड़ेगा और बाहर का भी, यानी कि डबल एरिया आपको लेना पड़ेगा। तो जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 2πr h, तो वो आपका दोगुना होगा। और जो आपका नीचे वाला बेस रिंग है, ओके, ये भी आपको दोगुना लेना पड़ेगा। अगर आप पाई आर स्क्वायर लेते हैं तो आपको 2 × πr² स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम सीधा सा लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए इस तरीके से एरिया टू बी टिन कोटेड टू इंटू, आप यहां पर लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके, 2πr h प्लस आपका नीचे वाला एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है आपका 2πr h। अब देखिए ये तो आपका बाहर वाला हो गया, अब अंदर वाला लेंगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा अंदर का एरिया भी, इसी तरीके से आपको यहां पर भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 2πr² और ये आपका हो जाएगा 4π, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2 × 2πr h, ठीक है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप इस तरीके से इनको लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको गिवन है रेडियस 70 सेंटीमीटर और आपको हाइट भी गिवन है 1.4 मीटर, ये आपको मीटर में गिवन है।
तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, सिंपली आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आ जाएगा रेडियस 140 सेंटीमीटर, ओके। और लास्ट में आपसे पूछा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ टिन कोटिंग एट द रेट ऑफ रुपीज 3.50 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको यहाँ पर कॉस्ट निकालनी है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। किस तरीके से आपको क्या करना है, पाई आर यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेते हैं, ओके। तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, देखिए 2h प्लस पाई आपका जा चुका है, एक r जा चुका है, तो आपके पास यहाँ पर सिंगल r बचेगा, ओके। अब बच्चों आपको r और h का वैल्यू यहाँ पर सिंपली पुट करना है, 2 इंटू 22/7, r का वैल्यू आप रख देंगे 70, और 2 इंटू h यानी कि 140 का दो गुना यानी कि 280 प्लस r 70, ओके। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 154,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लेना, यही आएगा। तो बच्चों अब आपको निकालनी है रिक्वायर्ड कॉस्ट, तो चलिए यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं रिक्वायर्ड कॉस्ट। आपको जो कॉस्ट गिवन है वो है रुपीज 3.50 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मोस्टली क्वेश्चंस में अब तक आपने पढ़ा है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरीके से होता था, लेकिन यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको निकालना है। जो टोटल एरिया आपको कोट करना है इसको आप यहाँ पर लिखेंगे, और जो भी आपको रेट गिवन होता है उससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 3.50 जितने भी रुपीस आपको गिवन है आपको सीधा मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आप इससे इसको डिवाइड कर देंगे, ओके। आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड कॉस्ट, दैट मीन्स आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा रुपीज 539 रुपीज, ओके। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।